रहीम लूसी ग्रे वर्सवर्थ नज़म मशहूर है तो बड़ी भी होगी नॉल तक इसको मेनली हम हमें ऐसे एक आइडिया आया कि इसको एज इस इनिको फेमनिज़म के प्रस्पेक्ट से देखा जाए तो ये उस पर उसका जो आइडिया है कि मैन वुमेन ये उसकी एक प्रोडक्ट है इसके टेक्स्ट को हम देखें बहरहाल इसकी जो स्कीम है एम्बिक मीटर पे लिखा गया है इसके टेक्स्ट को हम देखें तो ऑफन आई हर्ड लूसी ग्रे मैंने अक्सर लूसी ग्रे के बारे में सुना है एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी एट द ब्रेक ऑफ डे सोलिट्यूड चाइल्ड और जब मैं वाइल्ड uh, यानी वो जंगलों की तरफ जो वाइल्ड लाइफ है रानों की तरफ से मैं जाता हूँ तो मैं दिन निकलते हुए मैं उस अकेले बच्चे को देखता हूँ तो बच्ची को देखता हूँ नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू शी ऑन अ वाइल्ड मोर द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू अ ह्यूमन बींग कोई दोस्त नहीं कोई साथी नहीं लूसी जानती थी वो एक फैले हुए एक मूर पे रहती थी एक अमूर के यानी कि एक खुला मैदान पहाड़ी मैदान और वो जो है लूसी वो एक स्वीटस थिंग थी जो वहां उग सकती थी घर एक, एक इंसान के घर के अलावा वो जो है वो उसको एज अ पार्ट ऑफ नेचर जैसे वो कोई दरख्त हो या कोई पौधा हो उस तरह से ट्रीट करा ये है उसकी वो नेचुरलाइजेशन जो येट में स्पाय एट प्ले द हेयर अपॉन द ग्रीन एंड द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे नेवर मोर बी सीन आप चाहे वहाँ पे एक छोटा हिरन पान जो है उसे खेलता देखें या एक खरगोश को हरियाली पे देखें लेकिन आप वो जो उसका जो चेहरा है लूसी ग्रे का उसकी जैसी चीज आप कोई नहीं वहाँ ढूंढ सकेंगे टू नाइट विल बी अस्टोमी नाइट यहाँ वो फिर से शुरू हो रहा है लूसी ग्रे की कहानी शुरू हो रही है पहला ऐसा जो है वो

कस्बे की तरफ जाना आबादी की तरफ जाना और लाल लेती जाना ताकि तुम तो अपनी माँ को रास्ता दिखा सको बर्फ में डेट फादर डू ग्लैडली वो जवाब देती है कि मैं ये काम खुशी खुशी करूंगी टॉसली आफ्टर नून द मिनिस्टर क्लॉक टू इन योंडर इज द मून वो सिर्फ दो बजे हैं घड़ी पे वो जो आ, टाउन की जो घड़ी होती थी उसकी आवाज भी आती थी दैट तो वो से पता लग रहा है कि दो बजे हैं और जो है वो आ, मुश्किल से सुपहर है लेकिन वो वैसे है जैसे मतलब ये चांद भी देख लो इन दैट देख देख वो देखो चांद यानी कि वो अंधेरा सा होता जा रहा है तूफान की वजह से एट दिस फादर रेस्ट इज ही पाइल्ड हिज वर्क उस पर जो है वो बाप ने अपने अपना जो कुल्हाड़ा था मुंह उठाया और उसने जो है वो तोड़ा उसको वो जो लकड़ियों का बंडल था क्या उसे कहते हैं मैन्युफेक्ट बैंड से मुराद है वो जो लकड़ियों का बंडल जिसे वो आग लगाई जाएगी एज जा अ फ्यूल यूज किया जाएगा एंड लूसी टुक इन हैंड और लूसी ने वो लांटेन अपने हाथ में ली नॉट ब्लेथर इज द माउंटेन रो नीटन स्ट्रोक हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दाइज लाइक स्मोक और वो ये उसके चलने का बयान हो रहा है कि जब वो है वो उसने कोई लंबी बात नहीं की और वो चल पड़ी अब वहाँ मामला क्या है कि वह पाउडरी स्नो है क्योंकि उसके पैरों से हिलती है तो वो ऐसे उठती है जैसे वो स्मोक हो धुआं हो और वो जो उसका चलना है वह वॉन्टन स्ट्रोक है यानी कि वो डिलिब्रेड uh, एक हमला सा है एक स्ट्राइक है द स्टोम केम ऑन बिफोर इस टाइम शी वॉन्टेड अप एंड डाउन एंड मैनील डि सी क्लाइम बट नेवर रीच द टाउन वो जो तूफान था वो वक्त से पहले आ गया और वो काफी देर तक ऊपर नीचे भटकती रही पहाड़ियों uh, पे लेकिन पहाड़ियों में चढ़ी है नॉलदेड पहाड़ियों पे ऊपर नीचे भटकती रही लेकिन अभी वो कस्बे तक ना पहुंच सकी द रेस्ट पेरेंट ऑल द नाइट wide, शाउटिंग फॉर एंड वाइड साउंड nor साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड उसी पॉइंट पे पिछले तंजा में उसी मर चुकी है या उसी लापता हो चुकी है अब यहाँ पे है कि जो बदकिस्मत जो वालदेन है वो सारी रात उसे ढूंढते रहे चिल्लाते रहे लेकिन कोई ना तो कुछ नजर आया ना कुछ ही कुछ सुनाई दिया और कुछ ऐसा नहीं था जो कि उन्हें उनकी रहनुमाई कर पाता उन्हें उनके बेटे से लेकर जाता डे ब्रेक ऑन हिल दे दे स्टूड एंड एंड द द सॉ ब्रिज ऑफ फ्रॉम दिस डोर और जब दिन फिर से फूटने वाला था यानी कि फिर से सुबह होने वाली थी तो वो एक पहाड़ी पे खड़े थे जिससे वो जो मूर का इलाका यानी वो मैदान था उसके पार नजर आता था और वहां उन्हें लकड़ी का एक पुल नजर आया जो कि उनके घर से एक फरलोंग दूर था एम फॉरलॉन्ग जो होता है वो मील का आठवां हिस्सा होता है दो सौ बीस या दूसरे में कहा जाता है तो इतनी दूर एक वो लकड़ी का ब्रिज नज़र आया ये क्यों नज़र आया क्योंकि रोशनी हो गई है वो तूफान महिला के लिए ख़त्म हो गया होगा हो गया, हो। हो गया रात में ही ख़त्म हो गया रात से पहले ख़त्म हो गया लेकिन रात में जो रात थी वो नजर नहीं आ रहा था दे वेप्ट एंड अटर्न होमवर्ड क्राइड इन हेवन वी ऑल शेल मीट वो रोए और घर की तरफ गए चिल्लाते हुए और वो क्या चिल्लाए कि हम जो है वो जन्नत में दोबारा मिलेंगे इन स्नो द मदर द प्रिंट ऑफ लूसी फीट जब उसने बर्फ में माने उसके वो जासूसी की उसने तो उसने उसके पैरों का निशान देखे वो परी उन्होंने कह दिया कि वो रोए जन्नत में मिलेंगे इससे मतलब हो सकता है कि शायद वो जो ब्रिज था वहाँ शायद उसकी डेड बॉडी पड़ी थी या उन्होंने ज्यूम कर लिया कि वो उस ब्रिज से गिर गई है या वो कहीं और ऐसा वो मामला हो गया कि वो मर चुकी है देन डाउनवर्ड फ्रॉम स्टीव हिल एज दे ट्रैक द फुट प्रिंट्स फुट मार्क्स स्मॉल एंड थ्रू द वुडन थ्रोन रच एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल अब वो ये कि वो पीछे गए हैं वो जो उन पैरों के निशान थे कहाँ से जी उस हिल uh, की एज से नीचे को और छोटे uh, छोटे जो फुट मार्क्स थे उनको उन्होंने उसको पीछा किया और वो जो टूटी हुई झाड़ियाँ थी आइज उसको उनके मतलब उसके आर पार और उसके गर्द और वो जो स्टोन वॉल थी जो पत्थरों से बाउंड्री बनाई जाती है वो मन जो स्लोप्स होती हैं जो खाइयाँ होती हैं वहाँ वो एक स्टोन वॉल बनाई जाती है एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस द मार्क्स स्टिल द सेम दे ट्रैक द मोन एवर लॉस्ट एंड टू द ब्रिज दे कम और वो जो है वो उन्होंने एक खुला मैदान पार किया और वो जो निशान थे वो वैसे के वैसे ही थे वो उनका पीछा करते रहे कभी खोए नहीं और उसी ब्रिज तक पहुंचे यानी कि एक उन्होंने ब्रिज देखा और दूसरा उन्होंने प्रिंट देखे उस हिल से यानी कि वो हो सकता है उसी हिल पे वो चढ़ी हुई जिसको रात में वो थी देोड फ्रॉम द स्नोइंग बैंक दो मार्क्स वन बाय वन इन टू द मिडल ऑफ द फ्लैंक एंड फर्दर वेवर नन वो जो है वो स्नोई बैंक यानी कि वो जो आ, किनारा था जहाँ बर्फ थी वहाँ से उन्होंने शुरू किया गया इन वो स्लोब का और वो न, वो पैरों के जो निशान थे उनका वो चलते चलते आए और वो उस वुडन ब्रिज के एक फ्लैंक के दरमियान में आके वो जो थे वो जो फुट मार्क्स थे वो ख़त्म हो गए लकड़ी का ब्रिज है उस तो पर फ्लैंक्स होती हैं फ्लैग्स आते हुआ फटे जिनके तो वो जो है वो एक फटे के दरम्यान में वो जो मार्क से वो ख़त्म हो गया यह मतलब है कि वो गिर गई है उस ब्रिज से नीचे येट सम मेंटेन दैट इज़ टू दे शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड इसके बावजूद लोग ये समझते हैं आज तक कि वो बच्ची जिंदा है जिंदा बच्ची है दैट यू मे सी स्वीट लूसी अपॉन द लोन सम वाइल्ड और आप शायद उस प्यारी लूसी को आ, अकेली या वरान वो जो जंगल है उसमें आप उसे देखेंगे आप उसे देख सकते हैं ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग एंड नवर लुक्स बिहड एंड सिंग सोंग दैट इन देंड और जो है वो हर तरह के जो वहाँ जो रास्ते हैं रफ़ एंड स्मूथ उस पर वो उसके साथ साथ चलती है और पीछे कभी नहीं देखती और एक वो तनहाई का एक गाना गाती है यानी कि वह तन्हा है लेकिन वो जिंदा है और वह वहीं घूमती फिरती रहती है और उसका जो गाना है वो हवा में सीडी की तरह बचता है यानी कि वो उसकी उसकी जो रिदम है वो जो है वो हवा का हिस्सा बन चुकी है ये साला सी नज़म है इसमें वो जो उसका रोल है वो उसको एक वो नेचर का पार्ट बना दिया है शायर ने तो ये है वो आइडिया वो कह वो मैन नेचुर उसको नेचर का हिस्सा बना दिया यानी कि जैसे वो इंसान नहीं है वो कोई कमोरिटी है जो कि नेचर ने उसे दी हो तो ये है सादा सी और ये एक पर्सनिकेशन भी है एक तरह की कि वो वर्ंड जो है वो उसकी उसका गाना गा रही है तो ये सादा सी